नमस्कार सभी को। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारी जो स्पीकर की आवाज़ होती है वो सफिशिएंट नहीं होती डिटेल देने के लिए, है ना। तो कभी भी आवाज़ मतलब फटती भी है या फिर उतना क्लियर नहीं आती। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी स्पीकर को, जैसे अपन होम थिएटर अपने पास होता है 4.2, 5.2, 2.1, तो उसमें अपनी आवाज़ जो है वो क्लियर कैसे करें। तो देखिए ये ट्विटर जितनी डिटेल दिखा रहा है इसमें, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे ताकि और क्लियर क्रिस्टल आवाज़ आए। 200 वाट लिखा रहता है, एक्चुअल में होता नहीं है क्योंकि इसे मैंने 200 वाट एम्पलीफायर में लगाया था, तो ये उतना मतलब जल्दी फट चुका था, ये फूक चुका था, ठीक है। तो अब इसको हम कनेक्शन में, पहले आपको बता दूँ कि इसका कनेक्शन कैसे कैसे करना है। इसमें दो स्टिकर आते हैं, ये आप चिपका भी सकते हैं, इतना स्टिकी नहीं होता लेकिन चिपका सकते हैं। देखिए इसका लुक कैसा है, ये बाहर में ऐसे दिखता है सामने से, ठीक है, छोटा सा रहता है। ये पॉजिटिव भी लाइन होती है, जो पॉजिटिव लाइन होती है उसमें वाइट या फिर कुछ कुछ भी होता है उसमें देखिएगा, और जो डार्क होती है वो ग्राउंड होती है, ठीक है। अभी हमेशा याद रखिएगा, जो ग्राउंड होगी वो डार्क वायर होगी और किसी में जैसे येलो रेड वगैरह ये सब मेन लाइन होती हैं। अब स्पीकर में देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव किस साइड है, तो इसमें ऐसे मेंशन तो नहीं है, ओसवाल का है, अच्छी कंपनी है। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे मैंने पहले ही आइडेंटिफाई करके लिख चुका है, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे होगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव लेफ्ट साइड और राइट साइड नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो हम जब भी इन ट्विटर का भी हम कनेक्शन करेंगे तो स्पीकर के नेगेटिव में नेगेटिव और स्पीकर के पॉजिटिव में पॉजिटिव, ठीक है। इसमें सीधे वायर कट करके या छील के उसको सीधे कनेक्शन कर देंगे, सोल्डर कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका पॉजिटिव अभी राइट साइड है और नेगेटिव लेफ्ट साइड। इसमें कनेक्शन कैसे करना है, ट्विटर के लिए हम लगाएंगे कैपेसिटर, नॉन पोलराइज भी हो सकता है और पोलराइज भी हो सकता है। ये देखिए मेरे पास एक नॉन पोलराइज है, पोलराइज कैपेसिटर सॉरी। तो ये नॉर्मली क्या होते हैं कि इनको जब हम माइनस माइनस के साथ जोड़ देंगे तो ये जो होते हैं नॉन पोलराइज बन जाते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जो होगी, जैसे मैंने 10 UF का लिया तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। जैसे 10 UF है कैपेसिटर की वैल्यू, तो वो 5 UF हो जाएगी, ठीक है। ये जो UF है ये आप जितना डाउन करके लगाएं, जैसे 2 UF लगाएं तो उसका जो आवाज़ है बहुत ही दब जाएगा, तो हो सके 10 UF तक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने दो कैपेसिटर जोड़ा है तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, मींस कि 5 UF हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि इतना वाट तो है नहीं इसमें, क्योंकि 20-30 ऐसी होगी, तो फिर 20-30 ऐसी की जो वाटेज होती है, आउटपुट होता है उसका, जनरली वो 15-18 वाट ही होता है। वो आपके एम्पियर पे होता है कि आप जितना एम्पियर का लगाएंगे उतना उसका वाट बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मली होता है 15-18 वाट के बीच ही होता है। तो इसमें रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम एक तरह से आप फ्यूज के तौर पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर हैं जिनके हमने माइनस माइनस को एक साथ जोड़ा है और प्लस प्लस को बाहर रखा है, ठीक है। तो इसमें ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर बन जाएगा और उसका वही काम करेगा। अच्छा, नॉन पोलराइज कैपेसिटर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो ऑडियो के लिए होता है ये अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका जो कनेक्शन है ये ट्विटर में जाएगा पॉजिटिव फिल्टर से, ये जो छोटे छोटे फिल्टर्स हैं उनसे फ़िल्टर होके जाएगा ट्विटर तक, है ना। ये पॉजिटिव हो गया और इसका नेगेटिव होगा वो राइट साइड नेगेटिव में कॉन्टैक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे। ये कनेक्शन है इसका, और जो स्पीकर के लिए जो कनेक्शन होगा, ठीक है, ये ट्विटर का हो गया, और जो स्पीकर का कनेक्शन होगा वो स्पीकर का सीधे जो इन होगा, ऑडियो इन होगा, वो सीधे हम उसमें जोड़ देंगे। ये कन्फ्यूज मत होएगा, ठीक है। ये जो मैंने कैपेसिटर लगाई बस ट्विटर के लगाया है, ठीक है, और जो मेन जो कनेक्शन होगा, जो ऑडियो इन होगी इसमें वायर वाला, तो प्लस में प्लस और माइनस में माइनस स्पीकर के लिए, और ट्विटर के लिए दो फिल्टर होंगे,
ठीक है, मैंने यहाँ देखिए अलग कर दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको हमें सोल्डरिंग कर देना है, और सोल्डरिंग करने के बाद आपको मैं ये देखिए इसको मैंने पहले जोड़ लिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट इससे मैंने 3-4 महीने से बचा ही रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने बगल्स में चिपका दिया थोड़ा स्टिक करके। ये 4.1 सिस्टम है। ये सारा जो बॉक्स दिख रहे हैं आप, ये मैंने ही डिज़ाइन करके रीडिज़ाइन किया है इसको, और लेमिनेशन वगैरह सब, ब्लूटूथ भी नहीं था इसमें, और इसमें मैंने बनाया। ठीक है, तो बहुत अच्छा साउंड आया, खुद आप लोग ला के देखिए, क्लियर साउंड रहता है और काफ़ी डिटेल आता है। यहाँ आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने डायग्राम भी बना दिया है, यहाँ डिटेल देख सकते हैं। स्पीकर कनेक्शन अलग है और ट्विटर कनेक्शन अलग है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा।